है भगवान का। तो द्रौपदी भगवान कृष्ण से मन ही मन प्रार्थना करती है कि केशव, जब भी आपत्ति आई है तो आप ही ने रक्षा की। वहां कौरव जब वस्त्र हरण कर रहे थे, जब सभा में किसी ने मेरी सहायता नहीं की, बार बार सभी से विनती की लेकिन मेरा सहायक कोई नहीं हुआ। अंतिम में जब आपको पुकारा तो आपने मेरी लाज बचाई थी, आज भी वैसी ही आपत्ति है। अंतर इतना है कि वो घर वाले थे, ये बाहर वाले हैं। हे प्रभु, आपका बिना तो मेरा रक्षक कोई नहीं है। भगवान की कितनी अजब महिमा, कि जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तो द्रौपदी का नाम रखते रहे, क्योंकि द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं थी। द्रौपदी कहते हैं कि वो लक्ष्मी का ही अवतार थी, लेकिन शाप था उसे, इसीलिए उसके पांच पति बने। कि एक बार जब भामासुर का वध किया शिशुपाल का राजस्व यज्ञ में, तो सुदर्शन चक्र जब भगवान कृष्ण की उंगली में वापिस आया तो उंगली कट जाती है। द्रौपदी देख रही थी, अपनी साड़ी को फाड़कर उंगली से लपेट दिया, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, एक एक धागे का कई कई हजार गुना सूत समेत देना होगा। तो भगवान कृष्ण ने वहां कौरवों की सभा में उस साड़ी को चीर को इतना बढ़ा दिया कि कौरव थक जाते हैं, सफल नहीं हुई। तो क्या कहती है भगवान कृष्ण से, क्या प्रार्थना करती है?
प्रार्थना करती है।